बिल्कुल, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज और सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी और ये बजट पास कराया जाएगा। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन में फिर से सरकार पर हमला बोलेगा। 3 दिनों के लिए बुलाए गए सत्र का आज आखिरी दिन है और आज अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित हो जाएगी और ये सत्र बहुत मुमकिन है, इसकी प्रचंड संभावना है कि 17वीं विधानसभा का इस विधानसभा का आखिरी सत्र होगा और इस आखिरी सत्र का आज अंतिम दिन, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, उसे पास किया जाएगा, लेखानुदान की मांगों को पास किया जाएगा और इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। अब क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है और इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा और क्या कुछ होगा इस पर अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं विधानसभा के बाहर से। अनुभव, आज आखिरी दिन भी है सत्र का, क्या कुछ होना है क्योंकि अनुपूरक बजट तो पास कराया जाएगा लेकिन इसके अलावा विपक्ष भी लगातार हमलावर है अलग अलग मसलों को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, टेनी जी का मसला हो, इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आज क्या कुछ होगा, वक्त बहुत कम है। देखिए बिल्कुल, ये 17वीं विधानसभा का जो आखिरी सत्र है उसका आज आखिरी दिन है, यानी अब इसके बाद 17वीं विधानसभा जो है वो तरीके से हम कहें तो खत्म हो जाएगी और फिर जब चुनाव होंगे तब होगा 18वीं विधानसभा आएगी। तो आज आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र का भी आखिरी दिन है। कल जिस तरीके से अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, 8,479 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट है। इसके अलावा 1,68,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लेखानुदान है। क्यों? क्योंकि आगे जब चुनाव होंगे उसे 4 महीने आगे का इस तरीके से लेखानुदान लिया जाता है ताकि जो सैलरी है, जो पेंशन है, वो सारी चीज़ें दे सकें, जो काम होने वो ना रुकें। आज इस पर चर्चा होगी, यानी पक्ष के विपक्ष के लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो सप्लीमेंट्री बजट कल पेश किया गया है और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अभी तक जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो मुख्य बजट था उसी का पैसा नहीं खर्च कर पाए, तो ऐसे में पहला सप्लीमेंट्री लाया 7,300 करोड़ का, अब दूसरा सप्लीमेंट्री तकरीबन 8,400 करोड़ से ज़्यादा का ले आए हैं। जब पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ले आए हैं? जबकि कल आप देखिए किस तरीके से कई सारी घोषणाएं खुद मुख्यमंत्री ने की हैं सदन के भीतर, उनमें दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की बात है, वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाने की बात है, कई सारी घोषणाएं ऐसी की हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर आज विपक्ष एक बार फिर हम कहें तो कहीं ना कहीं सरकार को सवाल में का जो घेरा है उसमें खड़ा कर सकती है। सरकार ने जिस तरीके से घोषणाएं की हैं वो बार बार कह रहे हैं, वो आंकड़े कह रहे हैं कि देखिए अभी तक तो 60% पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद पैसा लेने की क्या जरूरत है? तो कोशिश सरकार की यही है कि जो उन्होंने कल अनुपूरक बजट 8,400 करोड़ से ज़्यादा का पेश किया है आज उसे पास करा लें और देखिए इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा में तो सदस्यों की संख्या जो बीजेपी की है उनकी सबसे ज्यादा है, हंगामा हो सकता है, विपक्ष कई सवाल खड़े कर सकता है और साथ ही अलग अलग मसलों को लेकर भी हंगामा हो सकता है। वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपका।